सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल ने किसी अनपछाते व्यक्ति वालों बठिंडा तो उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल नूं डेरा सच्चा सौदा सिरसा दे मुखी गुरमीत राम रहीम की तस्वीर नाल सन्मानित करन दी तस्वीर अपलोड करन दी शिकायत मुख चोण अधिकारी नूं कीती है। श्रोमणी अकाली दल वालों दी शिकायत च कहा गया कि फेसबुक से फोटो वायरल हुई सी जिस डेरा मुखी की तस्वीर हरसिमरत बादल नूं सौंपी जा रही है। पार्टी ने कहा कि यह फर्जी तस्वीर है जो एडिट करके बनाई गई है। पार्टी ने दोषियों खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करके डूंघाई नाल जांच करन दी मांग की। जंगे आजादी यादगार की उसारी में हुई बेनीमिया के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अजीत अखबार के संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द को नोटिस भेजा। विजिलेंस ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मों मुताबिक हमदर्द को 7 दिन का नोटिस भेजा। सवेरे जलंधर विजिलेंस के डीएसपी जतिंदरजीत सिंह अपनी टीम नाल हमदर्द के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने दफ्तर के बाहर नोटिस चिपका दिया। इस विच हमदर्द को 7 दिनों के अंदर विजिलेंस सामने पेश आने के हुक्म दिए ने। इस दे नाल ही उन्होंने 7 दिन बाद 31 मई को दफ्तर उप कप्तान पुलिस विजिलेंस ब्यूरो यूनिट जलंधर विखे हाजिर होने की हदायत की। संसद मैंबर ते AIMIM दे मुखी असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर च एक जनतक मीटिंग की। उन्होंने पीएम मोदी से निशाना साधे। उन्हें कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों ते बुजुर्गों असी कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जिन्होंने तुसी वोट दिती तुसी उन्हां दी किस्मत बदल दिती। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तुसी अपनी वोट दिती से तुहाडे आशीर्वाद सदका ही कामयाब हुई ने ते सारे मिलकर तुहानू तबाह करन दी कोशिश करन लगे। मैं तुहानू बेनती करदा कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। गर्मी कारण पैदा पानी के संकट खिलाफ प्रदर्शन करते हुए औरतों ने जम्मू के एक रेलवे स्टेशन से वंदे भारत रेलगड्डी रोक दिता है। औरतों ने चेतावनी दी कि जेकर उन्होंने कलोनी पानी के संकट का हल जल्द तो जल्द ना होया तो वह सारी आने से जाने वाली रेलगड्डिया रोक देंगे। नियमित पानी की सप्लाई यकीनी करन च प्रशासन की असफलता के विरोध जम्मू ईस्ट कलोनी के सैकड़े औरतों से कुछ बच्चों ने जम्मू रेलवे स्टेशन तक जुलूस कढ़िया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय तक स्टेशन से रेलगड्डी रोक दी। बाद में पुलिस से रेलवे अधिकारियों ने मामले में दखल अंदाजी। देश के कई सूबों च इस समय कहर की गर्मी पै रही। कई राज्यों का तापमान 47 तो 48 पार कर गया। इस दौरान भारत के मौसम विभाग ने 24 तो 26 मई तक कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया। केरल की गल करिए इतने भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। घर के सड़कों च पानी भरिया जो कि घट्टो घट 5 जिले च भारी मीह की चेतावनी जारी की गई। इस दे नाल ही मौसम विभाग ने 26 मई को अरुणाचल प्रदेश असाम से मेघालय में भारी मीह की भविखबाणी की। उड़ीसा बिहार पछमी बंगाल से झारखंड में 29 मई तक गर्ज नाल हल्की तो दरमियानी वर्खा होने की संभावना है। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे से भयानक सड़क हादसे च इको परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना च 20 तो वध लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जो इस समय अंबाला के हस्पताल च जेरे इलाज ने। हादसा अंबाला च वापरिया। जानकारी अनुसार यह हादसा एक मिनी बस के ट्रक नाल टकराउन कारण वापरिया है। पुलिस जांच सामने आई कि ट्रक ने हाईवे से अचानक ब्रेकां लगा दी जिस कारण पिछे तो आ रही मिनी बस उस नाल टकरा गई। पुलिस मुताबिक घटना च जख्मी हुए 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जदों की 4 लोगों ने हस्पताल च इलाज दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान च रिश्तियां नूं शर्मसार करन वाली घिनौनी वारदात सामने आई। नवजम्मे बच्चे की जान लैण की कोशिश करने वाली दोषी औरत की हरकत का जिवें ही खुलासा होया तो इलाके च सनसनी फैल गई। शेयर की वीडियो दस्सिया गया कि बाड़मेर जिले च हैरान करने वाली घटना सामने जिथे एक औरत ने अपने घर के बच्चे नूं जहर दिता। अपनी दराणी के बच्चे नूं मारन लई औरत ने सौंदे हुए उसनूं जहर पिला दिता है। सनसनी खेज खुलासा वीडियो दे विच होया। माछीवाड़ा नेड़े वगदी सरहंद नहर के बहलौलपुर पुल को दर्दनाक हादसा वापरे जिस बाबा भटपाग सिंह विखे मत्था टेके परते श्रद्धालुओं की जीप नहर किनारे पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई जदों की औरत महेंद्र कौर और करमजीत कौर ने हस्पताल से इलाज दौरान दम तोड़ दिया जो कि रिश्ते च मां धी दसे जा रहे हैं। चमकौर साहब हस्पताल से जख्मी हुई 12 श्रद्धालुओं का इलाज जारी है जिन्हों कई की हालत गंभीर दसी जा रही है। मौके पर इकट्ठे हुए लोगों वालों क्रेन मंगवा के गड्डी में बाहर कढ़े गए। जख्मियों को भी इलाज लिए हस्पताल में भेजा गया। पुणे के कल्याणी नगर च अपनी तेज रफ्तार पौश कार नाल 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या करने वाली नाबालिग ने पुलिस के सामने नवा दावा किया। 17 साल लड़के ने दावा किया कि हादसे के समय उसका परिवारिक ड्राइवर कार चला रहे थे। नाबालिग के दोस्तों ने भी इस दावे का समर्थन किया। दोष है कि रियल स्टेट डिवेलपर विशाल अग्रवाल के नाबालिग पुत ने मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कार नाल टक्कर मार दी जिस 2 लोगों की जान चली गई थी। इतने यह भी दस दिए कि परिवारिक ड्राइवर ने अपने बयान च दावा किया कि हादसे समय पौश कार चला रहे थे। इस नाल ही विशाल अग्रवाल ने भी यह भी दावा किया कि कार उसका बेटा नहीं सगो परिवार का ड्राइवर चला रहा है। केरल की पेरियार नदी च हजारा मच्छियों के मरण तो बाद सरकार चौकस हो गई। सरकार ने पेरियार नदी च हजारा मच्छियों की मौत को दोहराने तो रोकने लिए लंबे ते थोड़े समय के सुरक्षा उपावों से चर्चा करने लिए बैठक की। पिछले दिन मच्छी फार्मा च वड्डी गिनती च मच्छियां मरिया हुई मिलिया सन। मच्छी पालकों वातावरण प्रेमी ते सियासी पार्टियां के वर्करां समेत स्थानक लोगों ने इसका विरोध किया। मनिया जा रहा कि पानी में ऑक्सीजन की कमी कारण वड्डी गिनती च मच्छियों की मौत हुई है। केरल उद्योग मंत्री पी राजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि रेगुलेटर कम ब्रिज के दरवाजे खुलने कारण हजारा मच्छियां मर गई।
लोग सभा हलका बठिंडा तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुड्डिया के हक में चोन प्रचार करने मुख्य मंत्री भगवंत मान ने भुचो मंडी विखे रोड शो किया। इस मौके संबोधन करदिया मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि जथेदार खुड्डिया हकों लिए बोलने का सारा पता है, पार्लीमेंट में बोल के पंजाब के हक लैके आएंगे, इस करके एक जून झाड़ू का बटन दबा के गुरमीत सिंह खुड्डिया पार्लीमेंट में भेजो ताजो पंजाब के हकों की लड़ाई लड़ी जा सके। मान वालों व्यंगमई राजनीतिक कविता किकली सुना के बादल परिवार के शब्द राही गहरे वार किए, जिसकी लोगों वालों वाहवा की। इस दौरान खुड्डिया वालों भी लोगों एक जून झाड़ू वाला बटन दबा के आम आदमी पार्टी को कामयाब करने की अपील की। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कौमी पार्टियां का एजेंडा केवल सूबे से राज करन दा हुंदा, जदों कि खेतरी पार्टियां लई अपने सूबे के हित पहला हुंदे ने। उन्होंने कहा कि कौमी पार्टियां ने पंजाब नाल हमेशा धक्का किया, कांग्रेस ने राजस्थान दी चोणां जितने लई सूबे का अद्धा पानी राजस्थान नूं दित्ता, जदों कि रहिंदे पानी चों अद्धा हिस्सा मुड़ कांग्रेस वल्लों हरियाणा नूं दे के पंजाब नूं मारथल बनाउण नाल धक्का दित्ता गया। सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार वल्लों सारा निवेश अपने पितरी राज गुजरात च कीता, जदों कि पंजाब विच कोई निवेश नहीं हो रहा। अपनी प्राप्तियां गिणाउंदे ने कहा कि सूबे अंदर विकास केवल मरहूम प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में अकाली सरकार वालों ही किया गया। केदारनाथ में निजी कंपनी के हैलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी कारण हैलीपैड तो कुछ ही मीटर दूर एमरजेंसी लैंडिंग करनी पी। हैलीकॉप्टर में 6 श्रद्धालुओं समेत 7 व्यक्ति सवार सन। हैलीकॉप्टर सवार पायलट के सारे श्रद्धालु सुरक्षित ने, श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन भी करवा दिए। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।